ठीक है, चलो हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो एसएससी जीडी का पेपर देकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वेलकम है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बता दो लोगों को कहाँ कहाँ से आया था। और पता है इन लोगों ने हिंदी की मैम जो भी बताया ना मुझे सारे बता रखे गलत जो आए थे, तो मतलब वो वाले क्वेश्चन तो हम लोगों की उसमें आई नहीं है। हाँ सर, जैमर लगा हुआ था ना, बच्चे अपने डाउट पूछ के चले गए। मैम रीजनिंग में एक तो आया था बड़े लेसन वाला जी, एक आर्था कथन निष्कर्ष वाला, द्वारते श्री जी के, द्वारते जी सिटिंग अरेंजमेंट के, ब्लड रिलेशन कथन निष्कर्ष लोग वाला ना। हाँ जी हाँ जी, दो वर्त वाले दो बिठाने थे उसने। अच्छा अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ जी हाँ जी, एक नॉन वर्बल वर्बल का था जी। किसका? नॉन वर्बल। अच्छा, नॉन वर्बल का दे रखा था। एक क्वेश्चन मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब एक था जी। ठीक है, और क्लॉक और उससे आगे कैलेंडर नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्लॉक तो नहीं, कैलेंडर नहीं आ रहा। डाइस का क्वेश्चन आया। हाँ जी, एक था डाइस का। कैसा क्वेश्चन था? हल्का था जी, है तो खुला हुआ था या खुला नहीं था, बंद था जी। अच्छा, बंद पासे का क्वेश्चन था। और रैंकिंग से कोई क्वेश्चन आया नहीं, बस ये थे दो। अच्छा, केवल ये क्वेश्चन थे, रैंकिंग से नहीं आया था कि दाएं से बैठे? नहीं नहीं, नहीं सर। और बताओ, कुछ याद आ रहा हो? सीरीज के कितने क्वेश्चन थे? सीरीज के दो थे जी। सीरीज के दो क्वेश्चन थे। सीरीज कैसी आई थी? इजी देखते एक इजी थी जी, एक थोड़ी वैसी थी, टाइप टेकिंग वाली। टाइम टेकिंग थी। हाँ जी। स्क्वायर स्क्वायर की सीरीज दे रखी थी, क्यूब वाली थी शायद। अच्छा, क्यूब वाली सीरीज थी। अच्छा, कुछ जोड़ घटाना था क्यूब। एनालॉगी समानता सादृश्यता कोई क्वेश्चन नहीं था। और सिटिंग अरेंजमेंट बता दिया। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था? गोल में बैठे। हाँ जी, छह 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 दोनों में छह छह बिठा रखे थे जी। दो आए थे इसके क्वेश्चन। हाँ जी, दो क्वेश्चन। छह छह लोगों को बैठाया हुआ। हाँ जी हाँ जी। वाह, क्या पूछा है क्वेश्चन। कैसा, टाइम तो नहीं कम पड़ा? नहीं, टाइम कम नहीं पड़ा। कैसे करा पेपर? कितने क्वेश्चंस कर गए? मैं 65 करे। 65 क्वेश्चन कर रहे? अरे बहुत अच्छी बात है सही में। और कुछ आप बताना चाहेंगे, जैसे जिनका पेपर है आप उनको कुछ बताना चाहें? बहुत बच्चे डर रहे हैं। क्या कहोगे? नहीं कि मतलब पेपर कैसा, देखो हिंदी में ध्यान सारा गुरु। हाँ जी, पांच क्वेश्चन आ रहे हिंदी का, ध्यान सारा वही रिक्त स्थान वाला यार। पढ़ाया हुआ रहा कि नहीं? हाँ जी, पढ़ाया हुआ है जो सर ने पढ़ाया। पक्का ना? हाँ जी, मतलब मैं जो नहीं दवा में तो नहीं बोलवा। नहीं नहीं जो सर ने पांच चार लिए थे क्लास, दो दो घंटे की, सब उसमें से मिला सब हिंदी का, छुट्टी से वापस आने के बाद। हाँ जी अच्छा, गोवा से वापस आने के बाद मिला क्लास से कुछ। हाँ, रीजनिंग में तो बेस्ट है इस मामले। हाँ जी, नॉन वर्बल का था, थोड़ा टाइट सा नहीं हो पाया वो। एक टॉपिक देख लेना नॉन वर्बल वाला। अच्छा, एक टॉपिक बचा देख लेना कि वाच वाला जो क्वेश्चन है, एक वाच का क्वेश्चन आया हुआ है। वो वाच का ऐसा सिंपल से आया था कि कोई वाक्य दिया था, उसको को बोला गया था भाववाच में बनाइए। सीता खाना खा रही है, ऐसे कुछ वाक्य, सीता खाना खाती है तो सीता से खाना खाया जाता है, बस सिंपल सा हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी बता दूंगा क्लास में, शाम वाले में बता दूंगा कि कैसे आप पहचाने कि कर्तृवाच को कर्मवाच में, कर्मवाच को भाववाच में, भाववाच को कर्तृवाच में, ऐसे करके। इन भाई का पेपर कल है, कल है ना? हाँ जी, नाम बता दूंगा फटाक से अपना, सुहेल। ये लोग बागपत से हैं, पास से हैं, पड़ोसी हैं। और आज वाले मतलब आज वाले में तुमको ये मिले, और कल तुमको सुबह जब 9:45 पे जब होगी तो इनको पकड़ लेंगे सुबह सुबह। सुबह ही ना पेपर 14 सितंबर में तुमको ये मिलेंगे, यहीं पर खड़े होकर बताएंगे कि पेपर में क्या क्या आया था सीधा लाइव। और हिंदी वाले क्वेश्चन में लिखवा लेता हूँ, शाम को पूछ लूंगा। और कोई डॉक्यूमेंट बता दो जैसे। हाँ, डॉक्यूमेंट बता दो जैसे, डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट में क्या क्या पूछा था, कहाँ कहाँ टेस्ट हुए थे, क्या क्या सारी चीज। एक तो बस ये कोई भी आईडी प्रूफ, कोई भी, बस कोई भी आईडी प्रूफ, जो मतलब मेल होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसमें, जो आपने भरी थी लिख तो रहा था, फोटो मंगा नहीं। एक दो डाले ऐसा होता है, एडमिट कार्ड में फोटो साफ नहीं आता ना, कई बार उसके लिए चेक कर लेते हैं। और कोविड डिक्लेरेशन वाला फेंक दिया दोनों ही, पर लेकर जाना ठीक है, लेकर जाना और फेंक दिया, लिखवा गया उनका, यही फेंक दिया सही तरह से, मैं तो लिखा भी ना था। वो तो लिए जाना नहीं, तो ऐसा अगर नहीं भी बन पाए तो उसकी वजह से एग्जाम मत छोड़ना। जैसे कोविड डिक्लेरेशन वाला नहीं बन पाए या जैसे लिखना पाओ तुम जल्दबाजी में, तो चले जाना फिर भी एग्जाम दे, पर लेकर जाना, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे क्या पता मांग ही लिया, कई बार हो जाता है एग्जाम में, कई बार कोई दिक्कत हो गई। बाकी सब बढ़िया? हां जी। और पहले वो हुआ आपका 5 मिनट का जो देते हैं डेमो, जब सिस्टम पे आप बैठे थे तो डेमो हुआ था पहले 5 मिनट का, ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं लिखवाया था डेमो उस पे। अच्छा, डेमो करवाया था पहले, आपको बताया था ना कि? हां जी हां, सब बताया था, क्या मतलब कि ये लिखना है, उन्होंने वो दिया था स्लिप्स दी थी, वो तो भरने की होगा। हां जी, पहले पेपर में कुछ सवाल आए थे 4-5? हाँ, मतलब पहले कुछ डेमो तरीके का कराया था कि पेपर कैसे हल करना है। हाँ, बताया था ये सब, बताया होगा ना कि जैसे आपको जो आंसर सही है आपका तो उसे कैसे। हाँ जी, सब बताया था। कुछ क्वेश्चन छोड़ना है तो उसे कैसे छोड़ोगे, है ना, आपको रिव्यू के लिए मार्क करना है तो उसे कैसे। हाँ, हिंदी इंग्लिश कैसे वो करनी है, मतलब सब बताया था जैसे हिंदी से अंग्रेजी भाषा के।